स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम ग्रुप वन एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज़ में कुछ ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेटैलिक और आयनिक रेडियस से यदि हम ग्रुप वन एलिमेंट्स के लिए मेटैलिक और आयनिक रेडियस का साइज देखें तो लिथियम के लिए मेटालिक रेडियस आता है 152 फिफ्टी टू पिकोमीटर्स वहीं आयनिक रेडियस आता है 76 सिक्स पिकोमीटर्स इसके बाद अगर हम सोडियम का मेटेलिक रेडियस देखें तो वह होता है 186 एटी पिकोमीटर्स और इसका आयनिक रेडियस या फिर कहें एन ए प्लस आयन में इसका साइज़ 102 टू पिकोमीटर्स होता है अगर हम पोटेशियम की बात करें तो इसके लिए मेटेलिक रेडियस 227 ट्वेंटी सेवन पिकोमीटर्स और आयनिक रेडियस होता है 138 थर्टी पिकोमीटर्स वहीं अगर हम रुबीडियम की बात करें तो इसके लिए मेटेलिक रेडियस होता है 248 फोर्टी पिकोमीटर्स और आयनिक रेडियस होता है 152 फिफ्टी पिकोमीटर्स और अगर हम सीजियम के लिए देखें तो मेटेलिक रेडियस होता है 265 सिक्सटी पिकोमीटर्स और इसका आयनिक रेडियस होता है 167 सिक्सटी हम इस चार्ट से यह नोटिस कर सकते हैं कि मोनोवैलेंट आयन का साइज पेरेंट एटम के साइज से छोटा होता है इस चार्ट को देखकर हम यह भी कह सकते हैं जैसे जैसे हम ग्रुप में लीथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो इनके मेटालिक और आयनिक साइज में इंक्रीज देखने को मिलता है चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स के आइनाइजेशन एंथेल्पी की तो अगर हम इन एलिमेंट्स के आइनाइजेशन एंथेल्पी की बात करें तो इसमें लीथियम का आयनाइजेशन एन्थेल्पी ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीथियम एटम का साइज़ ग्रुप में सबसे छोटा होता है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ग्रुप में सबसे ज़्यादा होती है जिसके कारण इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाना बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है वहीं अगर हम लिथियम से सोडियम की तरफ मूव करें तो सोडियम की आयनाइजेशन इंथेल्पी होती है 496 किलोजूल पर मोल वहीं पोटेशियम की आयनाइजेशन एन्थेलपी होती है 419 किलोजूल पर मोल रोबीडियम की आयनाइजेशन एंथेल्पी होती है 403 हंड्रेड थ्री किलोजूल पर मोल सीजियम की आयनाइजेशन एंथेल्पी होती है 376 किलो जूल किलोजूल पर मोल और अगर हम फ्रांसियम की आयनाइजेशन एंथेल्पी देखें तो यह होती है 375 सेवेंटी फाइव किलोजूल पर मोल आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं आयनाइजेशन एंथेल्पी डिक्रीज करती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटम्स का साइज़ बढ़ने के कारण आउटर मोस्ट शेल पर लगने वाले न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू घट जाती है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड वीक हो जाते हैं जिससे कि उनको रिमूव कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स के हाइड्रेशन एंथेल्पी की आप यह सोच रहे होंगे कि हाइड्रेशन एंथेल्पी क्या होती है तो जब किसी सब्सटेंस को वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं तो उस सब्सटेंस और वॉटर मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के चलते कुछ एनर्जी रिलीज होती है और इसी रिलीज़ हुई एनर्जी को ही हम हाइड्रेशन एंथेल्पी कहते हैं तो ग्रुप वन में अगर हम कैटायंस का साइज़ देखें तो ग्रुप में नीचे जाने पर कैटायंस का साइज़ इंक्रीज करता है और लिथियम आयन का साइज़ सबसे छोटा होने के कारण इसे वाटर मॉलिक्यूल काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करते हैं जिसके कारण इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या फिर कहें हाइड्रेशन एंथेल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है और यही रीज़न होता है कि लीथियम हाइड्रेटेड कंपाउंड्स भी फॉर्म करता है जैसे कि एल आई सी एल डॉट टू एच टू ओ और ग्रुप में नीचे जाने पर आयन्स का साइज बढ़ता है जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स आयंस को उतने अच्छे से हाइड्रेट नहीं कर पाते हैं इसीलिए ग्रुप में नीचे जाने पर हाइड्रेशन एंथेल्पी की वैल्यू भी डिक्रीज करती है जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं यदि हम एक्वस फेज में आयन्स के साइज की बात करें तो लिथियम आयन का डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होने के कारण यह बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है और इसका इफेक्टिव आयनिक साइज़ ग्रुप में सबसे ज़्यादा हो जाता है आई होप आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे